आरती भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरती भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। बालू के अवैध उत्खनन को लेकर ग्रामीणों की बैठक शुक्रवार को बालाखटंगा कोयल डिपो में आम बगीचा में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान मंगरू राव ने की। बैठक में बालाघाट और बालाखटंगा का कोयल नदी से बालू के अवैध उत्खनन एवं उठाव को लेकर ग्रामीणों द्वारा विरोध प्रकट किया गया। बैठक में उपस्थित ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधि ने बताया कि जेएसएमडीएस के निबंधित ठेकेदार द्वारा सिसई प्रखंड के लरंगो कोयल नदी से बालू का उठाव के साथ ही घाघरा अंचल के अंतर्गत पड़ने वाले बालाघाट और बालाखटंगा परसा टोली क्षेत्र के कोयल नदी से बालू का उठाव बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन लगाकर हाईवा जैसे मालवाहकों से बालू की ट्रांसपोर्टिंग धड़ल्ले से की जा रही है, जिसके विरोध हम ग्रामीणों ने गोलबंद होकर बालू उठाव को रोकने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने गोलबंद होकर आक्रोशित लोगों ने इसके विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान गांव के लोगों ने बताया कि ठेकेदार के द्वारा बालू उठाव को लेकर सभी ग्रामीण विरोध कर रखे हैं। वहीं बालू खनन की अनुमति ग्राम सभा द्वारा नहीं दी गई है और न ही कोई टेंडर हुआ है, फिर भी जेएसएमडीएस का हवाला देते हुए ठेकेदार द्वारा बालू उठाव का कार्य बदस्तूर जारी रखा गया है, जिसको लेकर उपायुक्त सहित सभी अधिकारियों से बालू के अवैध उत्खनन की रोकथाम की मांग की है और कहा कि बालू उठाव बालाखटंगा व लरंगो कोयल क्षेत्र में होने से दोनों पंचायत के ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। बालू खनन के अवैध उत्खनन से कोयल नदी पर बन रहे नए पुल के गिरने का भी खतरा बढ़ गया है। इसके पूर्व भी बालू के अत्यधिक उठाव के कारण की कोयल नदी पर बने संपर्क पुल ध्वस्त हो गया था। हम ग्रामीण किसी भी कीमत पर बालू उठाव नहीं होने देंगे। गुमला से अजित सोनी की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। ये जो आज आप लोग जो बैठक किए हैं, ये किस मामले पे किए हैं? यहाँ पर अभी तौर से बालू हो रहा है, बिंदु का टेंडर कैटेगरी टू में हुआ है, कैटेगरी वन टू सभी को मिला के ये लोग हमको लगता है जन 20 एकड़ में जन अभी तौर से बालू का निकासी कर रहा है और सीधे सीधे हाईवा पोपलेन सारे चीज को मैंने यहाँ पर जन रोजी रोजगार के बारे में कभी सोचा नहीं। ये लोग मैंने सीधे जैसा मैंने ये लोग को बुझा रहा वैसा कर रहा है, तो जनता सीधे सीधे आप बालू नहीं निकालने देगा, यहाँ पर बालू टेंडर को सीधे सीधे निरस्त करे सरकार, हम लोग उसको लिख के देंगे और गांव जोरी होगा तो सारे लोग डीसी को हम जाएंगे डीसी के पास और इसका आवेदन देंगे। कितने गांव के लोग यहां पर बैठे हैं? यहां पर जनरल हमको दोस्तों 15 गांव के करीब बैठे हैं। तो ये लगातार कितने दिन से ये चल रहे थे? मैंने अभी तो फिलहाल से चल रहा है, ये तो बहुत पहले से लरंगोवासी शुरुआत भी किया था, लेकिन जनरल यहाँ पर जो माफियाओं का राज है, जनरल बड़े बड़े ठेकेदार लोग का राज है, पुलिस भी वही लोग का है, जनरल सारे चीज तो वही लोग का है और यहाँ जनता का आवाज को दबा दिया जा रहा है सीधे सीधे और जनरल ने वही आज जनता सोच लिया यहाँ पर नजदीक में पुल बन रहा है, यहाँ पर बनने में यहाँ पर बालू उठाव होगा तो निश्चित तौर से बालू उठाव होगा तो पुल धस जाएगा। एक पुल तो हम लोग खो चुके हैं, हम लोग दूसरा पुल को खोना नहीं चाहते। मेरा टोली से हम बोला थी, मेरा नाम है कुसमती देवी और हमने सब मिल के जितना ग्राम सभा कर दीदी मन से गिना सलाह करके और बालू का विरोधी के लिए हमने बैठी कि बालू के उठाते हुए हमें अखड़ बेर भी मना कर ली, लेकिन मैं नहीं सीख रहे हैं। तो अभी बालाखटंगा चाची और टेटंगा टोली कर सब दीदी मन से हमारे उन बात करके मिल ले लिया, कहली कि विरोधी की कह रखा है और मना करब कही के हमारे यहाँ बैठक रही थी, हमारे मन अभी के नहीं है लेके देव यह कर लिया। कहाँ से बालू इमन उठाते रहे? इमन ने लरंगो से गिना उठाते रहे लरंगो क्षेत्र से, लेकिन घाघरा प्रखंड से भी उठाए सीखे बालाघाट। अच्छा, तो ये मैंने लीज एरिया नहीं है? नहीं, लीज एरिया नहीं है। ठीक, नाम बताइए। मेरा नाम राजकिशोर मंडल है, जो जेएसएमडीसी के कर्मचारी हम हैं, ग्राम तरफ से सुपरवाइजर पोस्ट पर कार्यरत हैं। जेएसएमडीसी ने टेंडर निकाला था, वो टेंडर सुशील कुमार सिंह ने यहाँ पर टेंडर डाला और जाके उनको टेंडर मिला। वो टेंडर का नाम है लरंगो घाट, जो कोयल नदी से उठती है, बीच नदी से उधर लरंगो पड़ती है और इधर बालाखटंगा पड़ता है। तो बालाखटंगा से बालू उठा है तो अवैध तरीके से भी उठा है, जिससे लोकल ट्रैक्टर वाले लोग आते थे बाहर से, उनको मना करने पर वो नहीं मानते थे कि वो तो हमारा नदी है, हम कुछ भी करें, आप लोग कौन होते बोलने वाले। तो अवैध तरीके से भी बालू बालाखटंगा से उठा है,
और हम लोग तो लरंगो घाट से आपका कंपनी द्वारा है जो जेसीबी लगाया गया है तो यहाँ से बालू उठा हुई है कि नहीं? नहीं यहाँ से नहीं। लगातार ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ से भी कंपनी द्वारा बालाखंड का से ज्यादा बालू नहीं हम लोग उठाए, ये अवैध तरीके से बालू खनन हुआ है। एरिया में बालू उठा थे एक वास्ते कि हमें महिला मीटिंग करल जा है और कि हमरे बीज करा ही कहा था लारंगो एरिया में, लेकिन लारंगो एरिया नहीं उठ के हम इनके बालाखंडा एरिया से पूरा बालू जाते और जितना भी गड्ढा डिप्पा हो जाते पूरा यहाँ हुआ से वही कारण से हमें महिला मीटिंग कराल जा है करवाई। बालू यहाँ से एकदम नहीं उठाना है और नहीं उठा देंगे कह के सब सलाह मीटिंग करके कहा का नाम मतलब मंगरू राम का ही ग्राम प्रधान कौन पंचायत नाडिया पंचायत